आपको क्यों लग रहा है कि संविधान पे खतरा है? इसीलिए मांग रहे हो, बल्कि उन्होंने भी यही कहा कि 400 सीट आना अनिवार्य है। कह रहे हैं मैं 24-24 घंटे काम करता हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहा हूँ, उज्ज्वला दे दी, मंदिर बना दिया, इतने काम कर दिया उन्होंने। 10 साल हो गए, हमने जितना सुना है 10 साल में एक बार भी संसद में उन्नाव का नाम तक नहीं लिया। अनु टंडन जी उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथ हैं। अनु जी कैसा चल रहा है आपका चुनाव? ऐसा है, चुनाव के बीच में हैं हम लोग और लड़ाई सिर्फ दो चीज़ों की है, एक तो उन्नाव की बेहाली और दूसरी संविधान की रक्षा। तो इन दोनों मुद्दों पे पूरी जनता, उन्नाव की और मैं, सब एक साथ हैं। आपको क्यों लग रहा है कि संविधान पे खतरा है? क्योंकि बोला है उन्होंने, खुल के बोला है। क्या बोला है उन्होंने? अनंत हेगड़े जी ने अपनी बैठक में ये बड़े साफ शब्दों में कहा है कि संविधान बदलने की आवश्यकता है। तो 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं क्या? इसीलिए मांग रहे हो, बल्कि उन्होंने भी यही कहा कि 400 सीट आना अनिवार्य है। तो इसलिए हम लोग सब संविधान की रक्षा में अब निकल पड़े हैं। तो आप क्या लग रहा है, संविधान हटाएंगे तो क्या लाएंगे? मनुस्मृति लाएंगे आपको लगता है, क्या लाएंगे? ऐसा है, वो कौन सा संविधान लाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि प्रजा कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा। वो तो कह रहे हैं मैं 24-24 घंटे काम करता हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहा हूँ, उज्ज्वला दे दी, मंदिर बना दिया, इतने काम कर दिया उन्होंने। तो ऐसा है कि मेरे उन्नाव जिले के अगर अभी भी किसान भाई और गरीब अभी भी गरीब है और 5 किलो अनाज पे निर्भर करना चाह रहा है तो सोच सकते हो कि क्या किया है। साक्षी महाराज तीसरी बार संसद जाना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि आप इस बार रोक देंगी उन्हें? रोकना अनिवार्य है, क्योंकि जनता ही रोकेगी, पर रोकना अनिवार्य है, जनता रोकेगी। 10 साल हो गए, हमने जितना सुना है, 10 साल में एक बार भी संसद में उन्नाव का नाम तक नहीं लिया। फिर क्या, उन्नाव का प्रतिनिधि और उन्नाव के बारे में कुछ ना बोले, कुछ ना करे। अभी ये सड़क ही देखिए आप, 27 लोगों की मौत हो चुकी है और चुनाव के एक दिन पहले, घोषणा के पहले भूमि पूजन कर रहे हैं, वो भी बिना टेंडर के। तो क्या मतलब है इसका, जब लोग मरे तब नहीं समझ में आया? वो तो कह रहे हैं कि उनके पास योगी हैं, मोदी हैं, आपके पास क्या है? जनता है, और जनता है, संविधान है, संविधान है, जनता है। लग रहा है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है इस बार? ऐसा है कि लोकतंत्र में जनता ही लड़ती है और जो प्रत्याशी होता है वो प्रतिनिधि होता है। मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, लेकिन लड़ तो जनता ही रही है। उनके पास तमाम इंस्टीट्यूट है, मीडिया है, पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया, उसका पैसा है, तो इतने संसाधन है, तो कैसे आप लोग लड़ पाएंगे? हमारे पास वो उंगली है जिससे बटन दबाया जाएगा।